मूवी के स्टार्ट में हमें दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है, ब्रायन और मार्कर, जो सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं और उनको सैटेलाइट के अंदर से जोसिंटा फाउडर जाने की जो मार्ग कर रही होती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है मगर अचानक से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ब्रायन अपनी तरफ किसी चीज़ को बढ़ते हुए देखता है। ये छोटे छोटे कई सारे जीव थे जो उनसे और उनकी सैटेलाइट से जोर से टकरा जाते हैं और ब्रायन का पार्टनर मार्कर सैटेलाइट से दूर चला जाता है। ब्रायन किसी तरह सैटेलाइट के अंदर आता है और देखता है कि जो बेहोश है और वो अपने पार्टनर मार्कर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। वह स्पेस में कहीं खो जाता है। ब्रायन देखता है कि वह जीव मून में होल बना के उसके अंदर घुस रहा है। ब्रायन जो को अर्थ पर लेकर वापस आ जाता है। अब कहानी 18 महीने बाद शिफ्ट होती है। इसमें ब्रायन की वाइफ और उसके बेटे सोनी को दिखाया जाता है जो टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं कि नासा उस इंसिडेंट की वजह से ब्रायन को निकाल देती है। ब्रायन और उसकी वाइफ का तलाक हो चुका होता है, इसलिए वो और सोनी दूसरे देश शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उस घटना के बाद उनके पास घर भी नहीं रहता। इसके बाद मूवी की कहानी शिफ्ट होती है 10 साल के बाद। यहाँ डॉक्टर केसी हाउसमैन को दिखाया जाता है जो कि मून पर होने वाली गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है और उसको मून की ऑर्बिट में कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। वो नासा को कॉल करता है और कहता है कि उसे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है, पर नासा वाले केसी की बातों को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ जो को नासा से कॉल आती है। वह सुबह सुबह काम के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे मून पर होने वाली अजीब सी गतिविधियों के बारे में बताया जाता है कि मून का ऑर्बिट बदल रहा है, उसका ऑर्बिट पहले से कम होता जा रहा है। वही दूसरी तरफ केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, तो वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। वहाँ वह ब्रायन से मिलता है और अपने द्वारा इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन के बारे में वो बताता है कि मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है। मगर ब्रायन केसी की बातों को मजाक में ले रहा होता है। उसको गार्ड्स पकड़कर बाहर ले जाते हैं। केसी अपने पेपर ब्रायन को पढ़ने के लिए दे जाता है। तभी ब्रायन को उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो कहती है कि उसका बेटा सोनी तेज कार चलाने के जुर्म में पकड़ा गया है। अब वाले बात कर रहे होते हैं कि उनके पास केवल 4 हफ्ते हैं। उसके बाद मून अर्थ के नजदीक आ जाएगा और अर्थ पर पत्थरों की बौछार होने लगेगी। इस समस्या से बचने के लिए उन्हें मून पे जाना होगा और वहाँ हो रही गतिविधियों के बारे में पता लगाना होगा। तभी उन्हें मून पर एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। वो जानना चाहते हैं कि इस होल के अंदर क्या है। इतने में मून के ऑर्बिट बदलने वाली बात बाहर हो जाती है और इस खबर को टीवी पर दिखाया जाता है। ब्रायन को भी यह पता चलता है। तब उसे याद आता है कि केसी सही कह रहा था। तब वो उसके पेपर पढ़ता है और केसी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। ब्रायन केसी से पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। केसी बताता है कि वो सालों से अर्थ और स्पेस पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोर में कुछ हुआ है, इसलिए मून अपनी ऑर्बिट से भट चुका है। वहीं दूसरी तरफ नासा मून पर अपना स्पेस से भेजता है। वहाँ वह बड़े से होल को खोजकर उसमें एक प्रोब को डाल देता है। 25 किलोमीटर की गहराई तक उस होल के अंदर जाता है। उसके बाद वह होल से ऊपर की तरफ आने लगता है और उसमें से वह छोटे छोटे जीव निकलकर स्पेसशिप पर हमला करके उन सबको खत्म कर देते हैं। जब वह जीव होल से बाहर निकलता है तो मून अपनी पुरानी ऑर्बिट पर जाने लगता है, लेकिन तभी वह जीव फिर से होल के अंदर चला जाता है और मून की ऑर्बिट फिर से बदल जाती है। उसकी ऑर्बिट धीरे धीरे कम हो रही होती है जिससे वह धरती के और पास आ रहा होता है। इस वजह से मून की ग्रेविटी का असर पृथ्वी पर बढ़ जाता है और समुद्र का पानी शहर में घुसने लगता है। नासा का डायरेक्टर यह सब देखकर डर जाता है। वो अपनी फैमिली से कहीं सेफ जगह जाने के लिए कहता है। जो उससे कहती है कि कोई बात तो है जो तुम उसे नहीं बता रहे हो। डायरेक्टर जो से कहता है कि तुम्हें नासा के सीक्रेट जानने हैं तो जाकर एक आदमी से मिलो, और क्लियरेंस के लिए वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है। जो उस आदमी से मिलने पहुंच जाती है, वहां पर वह पुराने मशीन की फुटेज देखती है। उसे रिपेयर मशीन वाली फुटेज में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। वह आदमी बताता है कि नासा ने यह बात छुपाई है कि उसे स्पेस में मून के क्रस्ट पर कुछ अजीब सा मिला था। यह रिपेयर मशीन से कनेक्टेड है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया। ब्रायन ने जब इस घटना के बारे में बताया था
तो उसे पागल कहकर नासा से बाहर निकाल दिया गया था। वो बताता है कि अजीब साजीब हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर है, हम तो उसके आगे स्टोन एज जैसे हैं। जो मिलिट्री से बात करती है, वहाँ पर उसका एक हस्बैंड काम करता है। वो मून को न्यूक्लियर बम से ख़त्म करना चाहते हैं, जो उन्हें बताती है कि इससे अर्थ को भी खतरा है। पर वो जो की बात नहीं सुनते। जो का एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम्हें हमारे बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए और तुम्हें एक सेफ जगह कोलोराडो चला जाना चाहिए। ब्रायन केसी को बताता है कि उस जिम ने उसके पार्टनर को मारा था। जब वो अर्थ पे आया तो उसे नासा से निकाल दिया गया, उसका डाइवोर्स हो गया है और वो अपने बेटे से भी अलग हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो को याद आता है कि उस आदमी ने उसे एक EMP डिवाइस के बारे में बताया था जिससे उस जीप को मारा जा सकता है। यह सब बात वो अपने एक्स हस्बैंड को बताती है। तभी नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने आते हैं। वो किसी को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ वह जो से मिलता है, जो उन्हें एक फुटेज दिखाती है कि मून पर एक होल है, वो 25 किलोमीटर तक गहरा है। साथ ही दूसरी फुटेज में उस जीप को दिखाती है जिसमें वो उनके ग्रुप मेंबर को मार रहा होता है। जो ब्रायन को बताता है सब उसके 10 साल पहले वाले मिशन से जुड़ा हुआ है। जो ब्रायन से हेल्प मांगती है, ब्रायन उसके बदले अपने बेटे सोनी को जेल से रहा करा लेता है। अर्थ पर भूकंप और बाढ़ आ रही होती है। नासा वाले एक रॉकेट का अरेंजमेंट करते हैं और मिलिट्री उस EMP डिवाइस को लेकर आती है जिससे सुना जा सकता है। जो और ब्रायन अपना प्लान डिस्कस करते हैं। वो रॉकेट लॉन्च की तैयारी कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ भूकंप आ जाता है जिससे रॉकेट का एक इंजन खराब हो जाता है और उनकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उनके पास केवल एक ही रॉकेट था। जो सबको कोलोराडो में जाकर एक सेफ बंकर में छुपने के लिए कहती है क्योंकि मिशन ओवर हो चुका होता है। तभी केसी देखता है कि मून की ऑर्बिट चेंज हो रही होती है जिससे मून का ग्रेविटेशनल पुल बढ़ रहा होता है। वह जो को बताता है कि उनके पास एक मौका है, ठीक 28 मिनट बाद मून अर्थ के बहुत करीब होगा, तब हम केवल 2 इंजन वाली रॉकेट से उसके पास जा सकते हैं। जो बताती है कि ब्रायन रॉकेट उड़ाएगा और वो उसे नेविगेट करेगी और उन्हें एक फ्लाइट इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने साथ केसी को भी ले लेते हैं। जो और ब्रायन अपने अपने बच्चों से मिलते हैं। वो उन्हें गुड बाय कहते हैं और उन्हें कोलोराडो जाने को कहते हैं। केसी भी अपनी मॉम से बात करता है और बताता है कि वह नासा के मिशन पर जा रहा है। वो वहाँ पर वर्कर से मॉम का ख्याल रखने को कहता है। तभी वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव आ रही होती है। मून अर्थ के नज़दीक आने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है जिससे एक सुनामी सी आ जाती है और मून सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। ब्रायन रॉकेट को उड़ाता है पर उसका एक थ्रस्टर खराब होने की वजह से वार्निंग आने लगती है। वह वेट कम करने के लिए सारे थ्रस्टर को निकाल देता है और जैसे तैसे वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। वह स्पेस स्टेशन पहुंचकर EMP डिवाइस में फ्यूल भरते हैं और देखते हैं कि मून अर्थ के नज़दीक आ रहा होता है। जो का बेटा उसके एक्स हस्बैंड को कॉल करता है कि वो लोग कोलोराडो आ रहे हैं, उन्हें अंदर आने के लिए उसके क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी। तभी रास्ते में उन्हें 3 लोग रोक लेते हैं और उनसे उनकी कार छीन लेते हैं। अब तक मून अर्थ के नज़दीक आ जाता है जिससे मून के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रायन की एक्स वाइफ का हस्बैंड सोनी को ढूंढ लेता है। वो उन्हें सेफ जगह पर ले जाता है। सोनी उन्हें बताता है कि ब्रायन स्पेस में है, रेडियो में ये न्यूज़ चल रही होती है कि उन्हें ये जगह छोड़नी चाहिए क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। तो सोनी उन्हें बताता है कि ये कोलोराडो में एक बंकर है, उन्हें वहाँ चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रायन और केसी मून पर पहुँच जाते हैं। केसी अपने फ़ोन से मून की तस्वीर खींचता है। ब्रायन उस EMP डिवाइस को होल के समीप रोस्टर से ले जाता है। वहाँ पर वह इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करके वह अपने स्पेस शटल में वापस आ जाता है। उसका प्लान होता है कि जैसे ही वो जीप उस रोस्टर पर पे लगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाएगा, वो EMP डिवाइस को ऑन कर देगा जिससे उसका खात्मा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो जीप उस होल से बाहर निकलता है, लेकिन वो उस रोस्टर में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ बढ़ने की बजाय उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ब्रायन उसे अपनी तरफ आता देख सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तोड़ देता है, पर फिर भी वो जीप उनकी तरफ आ रहा होता है। ब्रायन को केसी का फोन दिखाई देता है, वो उसे तोड़ देता है। अब वो जीप वापस उस होल में चला जाता है। जो उन्हें बताती है कि मिलिट्री मून को रोकने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को भी यूज कर सकती है, इससे बहुत रेडिएशन निकलेगी। और ब्रायन कहता है कि उन्हें कुछ करना होगा, अब उनके पास 2 घंटे से भी कम समय है। वो तीनों होल के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ब्रायन इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन कर देता है, वो जीप उन पर हमला करता है। तभी ब्रायन EMP डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करता है पर वो ऑन नहीं होता। तब तक वो जीप उन्हें चारों ओर से घेर लेता है।
उन पर एक ग्रीन रोशनी पड़ती है जो उन्हें उस जीप से बचाती है, और एक गेट खुल जाता है। वो उसके अंदर आ जाते हैं, पर वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। कोई तो है जो उनकी हेल्प कर रहा होता है। उधर सोनी और उसकी मोम का हस्बैंड ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वो तीन लोग आ जाते हैं जिन्होंने उसकी कार छीनी थी। सोनी उनसे गन पॉइंट पर बचकर निकल जाता है। वो लोग उनका दोबारा पीछा करते हैं, तब तक मून की ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है और वे तीनों मारे जाते हैं। जो का एक हस्बैंड सोनी को कॉल करता है, वो पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। सोनी बताता है कि हम अभी बहुत दूर हैं। जो का एक हस्बैंड बताता है कि तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट किया जाएगा जिससे मून का मलबा अर्थ पर गिरेगा और रेडिएशन निकलेगी, इसलिए तुम कहीं छुप जाओ। जो का बेटा उसे बताता है कि जो मून पर है। यह सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर मून को ब्लास्ट कर दिया तो उसकी एक्स वाइफ भी मर जाएगी। अब अर्थ से ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, इस वजह से ब्रायन की एक्स वाइफ का हस्बैंड मर जाता है। उधर मून पर इन तीनों को एक ग्रीन लाइट स्कैन करती है। थोड़ी देर बाद जो और केसी को होश आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन है, पर वहाँ ब्रायन नहीं था। वो ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। एक दरवाजा अचानक खुलता है, वो डरते हुए उसके अंदर जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें गाइड कर रहा है। ब्रायन को होश आ जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसके बेटे सोनी जैसा दिखता है। ब्रायन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मुझे बनाया गया है, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो ब्रायन को बताता है कि अरबों साल पहले वहाँ पर लोगों का एक सिविलाइजेशन था। वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे और वो सभी स्पेस में अपना घर बनाने लगे। वॉर का तो उस दुनिया में कहीं नाम ही नहीं था, और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम। मगर फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम उनके अगेंस्ट हो गया, और उस टेक्नोलॉजी को जिससे भी खतरा था वो उन सबको मिटाने लगा। तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर यह सोनी नहीं था, उनका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो बताता है कि इस घटना के बाद वो लोग गैलेक्सी में कहीं सेफ जगह पर रहने लगे। उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। ऐसा ही एक मेगा स्ट्रक्चर मून भी है। कुछ समय बाद उस जीव ने मून को भी ढूंढ लिया और मून पर अटैक कर दिया। ये जीव उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर अटैक करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइफ होती है। वो बताता है कि उन्हें एक इंसान की ज़रूरत है जो उस जीव को मून से दूर ले जाए, जिससे कि मून अपने ऑर्बिट में वापस आ सके। तभी वहाँ जो और केसी आते हैं। ब्रायन उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी उस जीव को खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। वो लोग देखते हैं कि मून की टेक्नोलॉजी ने उनके स्पेस शटल को ठीक कर दिया है। स्पेस शटल का पावर ऑन होते ही जीवा जीव मून के कोर से हट जाता है और उनके स्पेस शटल का पीछा करता है। उधर अर्थ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे होते हैं। अब तक मून अर्थ के एटमोसफेयर में आ चुका होता है। मिलिट्री के लोग न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने वाले होते हैं, लेकिन जो का एक्सपेंड ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जो अभी स्पेस में ही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन जो और केसी से कहता है कि तुम लोग शटल लेके चले जाओ, मैं EMP साथ नहीं रहूँगा। इससे पहले कि ब्रायन ये सब करता, केसी अपने साथ EMP डिवाइस को लेकर रोस्टर में रुक जाता है। वो ब्रायन से कहता है कि मेरी मोम से मिलना, उनसे कहना कि मैं फील्डर नहीं हूँ। यह कहकर वो शटल को से रोस्टर को अलग कर देता है। जैसे ही वो जीव रोस्टर पर अटैक करता है, केसी EMP डिवाइस को ऑन कर देता है, इससे वो जीव वहीं खत्म हो जाता है। अब जो इस पे शटल को लेकर मून से निकल जाती है और मून भी धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट में वापस जाने लगता है। जो अब ब्रायन को बताती है कि अब अर्थ सेफ है, और अंत में वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। सोनी ब्रायन से केसी के बारे में पूछता है, तो ब्रायन बताता है कि केसी ने ही इस और दुनिया को बचाया है। अगले सीन में केसी को मून पर दिखाया जाता है। वहाँ वो अपनी मोम को देखता है। वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वह केसी को बताता है कि वह अब मून का हिस्सा है, अब हमें शुरू करना चाहिए। तो केसी पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए। यहीं पर मूवी मूनफॉल ख़त्म हो जाती है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।